हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में 27 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आज का सेशन ज़्यादातर ओलंपिक एशियन गेम से रिलेटेड है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी आपके एग्जाम के लिए एंड यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल पर थ्योरी सेशन सभी चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया गया है। जो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, थ्योरी सेशन अलग है, एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अलग है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस एंड डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। बस मेरे साथ डेली बेसिस जुड़े रहिए और रेगुलर आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपना अपने आप को देखिए कि हम मेरे में कहाँ पर कमी है, अभी क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे हम अटक रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा मेहनत करना है। एंड दोस्तों, जैसा कि आपके पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा, आपका जो है आपसे बेहतर जो पढ़ के बैठे हुए हैं उनको आपको कम हराना है या उनसे आगे या उनसे ज़्यादा मेहनत करना है, तभी आपको एक सीट मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ आज के समय में कंपटीशन की कमी नहीं है, एक एक से लोग हैं पढ़ने वाले, जहां आपको उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करके उनको बीट करना होगा, तभी एक सीट आपको मिलेगा। तो हिम्मत ना हारिए दोस्तों, कोशिश करने वालों की जीत हमेशा होती है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन जो है 23 जून 1894 में पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर बैरन पीरेडी कोबर्टिन के द्वारा किया गया और इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोसाने स्विट्जरलैंड। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने IOC के श्री बाइकलास, और प्रथम मंत्री बैरन पीरेडी कोबर्टिन ही थे और वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य नहीं रहा है? दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का सदस्य सर दुराबजी टाटा है ही, क्योंकि इन्होंने ही इसको शुरुआत किया था एंड GD सोंधी एंड S रणधीर सिंह तीनों थे, इसमें वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। IOA यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस वर्ष में ओलंपिक खेल रद्द नहीं किए गए? तो यहाँ पे आपको देखना है कि रद्द कब कब किया गया। तो 1912 छठवीं ओलंपिक प्रथम विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ। 1940-1944 यानी 12वीं-13वीं ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ, यानी यहाँ पे रद्द कब नहीं किया गया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1916। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस को विशेष आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के लिए दिनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आप सबको पता है 16 दिन का होता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों की समाप्ति अनुष्ठान के दौरान निम्न में से कौन सा झंडा नहीं फहराया जाता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, जब ओलंपिक खेल की समापन समारोह होता है तो उस समय सबसे पहले यूनान देश की ध्वज को वहां की राष्ट्रगान की धुन के साथ फहराया जाता है, फिर दूसरे नंबर पर मेजबान देश की ध्वज को वहां की राष्ट्रगान की धुन के साथ फहराया जाता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर अगले देश का ध्वज जहां अगले ओलंपिक होना है वहां का फहराया जाता है। यानी कि
जो ओलंपिक समाप्ति के समय विजेता देश का झंडा नहीं फहराया जाता, याद रखिएगा। तो सबसे पहले तीन झंडे फहराए जाते हैं, सबसे पहले यूनान देश की झंडा, फिर मेजबान देश का झंडा, फिर तीसरा स्थान पर अगले देश का ध्वज जहां अगला ओलंपिक खेल खेला जाना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने माइंड में। और कौन सा झंडा नहीं फहराया जाता है किस देश का, तो विजेता टीम का, विजेता देश का झंडा नहीं फहराया जाता, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। एंड दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की घोषणा राष्ट्रपति या राजा या अध्यक्ष करता है, जबकि ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा IOC का अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। ओलंपिक समापन की घोषणा IOC का अध्यक्ष करता है, फिर ओलंपिक ध्वज को नीचे उतार दिया जाता है और जिसे IOC का अध्यक्ष नगर के गवर्नर या मेयर को सौंप देता है, जहां उसे अगले ओलंपिक खेलों तक आयोजित जहां उसे मतलब उस झंडे को अगले ओलंपिक के आयोजन तक सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने का रिवाज कब शुरू हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले मशाल 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक हॉलैंड में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाई गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ओलंपिक मशाल जलाने का चलन जो है 1936 बर्लिन ओलंपिक में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 बर्लिन ओलंपिक। 1936 बर्लिन ओलंपिक मशाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल तक पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत हुआ था और कार्ल डाइम ने मशाल दौड़ का प्रस्ताव पारित किया था। और दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक से ही विजेता खिलाड़ियों के नाम स्टेडियम की दीवारों पर लिखे जाने लगे थे। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों की परिकल्पना किसने किया था? दोस्तों जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय बैरन पियर डी कुबर्टिन को दिया जाता है, इसलिए बैरन पियर डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है, उसी प्रकार एशियाई खेलों की शुरुआत करने वाली कल्पना करने वाले हैं प्रोफेसर जीडी सोंधी, जिन्हें एशिया खेल का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल कब खेले गए? तो प्रथम एशियाई खेल 1951 मार्च 1951 नई दिल्ली में खेला गया। एंड यहाँ पे एशियाई खेल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम एशियाई खेल कब शुरू किया गया, तो 1951 नई दिल्ली में। एंड दूसरी बार भारत में कब हुआ, तो नौवां एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली, शुभंकर था, यहाँ शुभंकर का भी शुरुआत हुआ था 1982 से, अप्पू हाथी था। एंड सचिन नाग जो एक तैराक थे, एशियाई गेम में पहला गोल्ड जीते हैं भारत की तरफ से 1951 में। और हर चार साल में एशियाई खेल कराया जाता है। एंड 19वां एशियाई खेल 2022 जो कोरोना के कारण 2023 में संपन्न हुआ हुआंगझोउ चीन में। एंड 20वां एशियाई खेल 2026 जापान में होगा। एंड 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा में संपन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक प्रकार का अस्थि भंग है जिसमें अस्थि का एक पार्श्व टूट जाता है और दूसरा पार्श्व झुक जाता है, इसका क्या कारण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में एक भाग टूट जाता है, दूसरा भाग झुक जाता है, और ये बच्चों में ज्यादातर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उनकी हड्डियों का विकास जो है उतना अच्छा से नहीं हुआ रहता, यानी अस्थि के विकास की कमी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है चीरकालिक लंबी अवधि थकान की मात्रा आकी जा सकती है। तो दोस्तों ये रोग विषयक विधि के द्वारा लंबी अवधि थकान की मात्रा को आंकी जा सकती है। नेक्स्ट है प्रशांति प्रदान करने वाली औषधि कही जाती है। तो दोस्तों यहां भी राइट आंसर हो जाएगा उपशामक एबटोल, क्योंकि यहां पे डायुरेटिक्स जो है वह एक वेट रिड्यूसिंग औषधि है, यानी कि भार को कम करती है। नेक्स्ट है ऊर्जा की आवश्यकताएं निर्भर करती है। तो दोस्तों एक छोटा बच्चा जितना खाएगा उतना 30-40 साल कार्य नहीं खाएगा, इसका मतलब आयु पर भी निर्भर करता है। लिंग पर स्त्रियों को आयरन ज्यादा आवश्यकता होती है पुरुषों की अपेक्षा, तो जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो लिंग पर भी निर्भर करता है। शारीरिक क्रियाकलाप पर, एक दिन भर बैठा हुआ है कुछ काम नहीं कर रहा है उसको अलग ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो मेंटल एक्टिविटी कर रहा है और जो शारीरिक गतिविधि कर रहा है सब में अंतर होगा। इस प्रकार आयु, लिंग और शारीरिक क्रियाकलाप, इस सभी पर आयु की आवश्यकता निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इन सभी पर। नेक्स्ट है विटामिन, निम्न में कौन सा घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील, ठीक है। निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो दोस्तों विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी सी और एच है, उसके अलावा सब वसा में घुलनशील है, यानी ए डी ई के वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है वसा में घुलनशील नहीं है और सभी हैं। नेक्स्ट है किसी रोग के आकस्मिक आक्रमण की रोग में शामिल है। तो किसी रोग के आकस्मिक आक्रमण के रोग हम कैसे कर सकते हैं? तो अवशेष अपशेष यानी कि कूड़ा करकट इत्यादि का यथेष्ट प्रबंधन करके और स्वास्थ्य शिक्षा दे करके, शुद्ध जल की आपूर्ति करके, ये सभी यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट होगा। नेक्स्ट है टेंडनाइटिस स्नायु रज्ज शोध है। दोस्तों जो हमारा टेंडन होता है मांसपेशी, जो टेंडन होता है वो कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो जो टेंडन के आसपास जो चोट हो जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जो हमारे एड़ी की, सबसे ज़्यादा ये हमारे एड़ी के पास के जो टेंडन होता है एचिलिस टेंडन, जो सबसे मजबूत टेंडन होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द एचिलिस टेंडन, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द एचिलिस टेंडन, यहाँ पे सूजन जलन होने लगता है एचिलिस टेंडन के पास, जिसे टेंडनाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट दशानुकूल है। दशानुकूल मतलब परिस्थिति या पर्यावरण, जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यहाँ पे बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेना, एडॉप्टेशन कर लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के प्रति शारीरिक अनुकूलन। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया है? तो दोस्तों प्रजाति, परिवार एंड व्यवसाय, इन सभी आधार पर किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस पर पर्यावरण का अवश्य प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ऊंचाई पर भी पड़ता है, स्वभाव पर भी पड़ता है, बुद्धि पर भी पड़ता है। तो इन सभी पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निश्चय केवल अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के आधार पर होता है? तो दोस्तों बुद्धि जो है अनुवांशिकता पर्यावरण दोनों से होता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी भी अनुवांशिकता पर्यावरण दोनों होता है, और ऊंचाई भी अनुवांशिकता पर्यावरण दोनों पे होता है। लेकिन शारीरिक ढांचा जो है, आप किस प्रकार दिखते हैं, बनावट जो है वो आपके केवल अनुवांशिकता से आता है, जिसे लोग देख के पहचान जाते हैं कि वो इसका लड़का है या इसका भाई है या इसका बहन है। तो ये जो शारीरिक ढांचा है वो केवल अनुवांशिकता के आधार पर होता है।
नेक्स्ट है प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर अनुवांशिकता का प्रसिद्ध प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें अनुवांशिकता का जनक माना जाता है, उन्होंने सबसे पहले मटर पर प्रयोग किया इस चीज को देखने के लिए। नेक्स्ट है यह अनुवांशिकता या पर्यावरण नहीं है परंतु अनुवांशिकता और पर्यावरण है, यह बात किसने कहा है? तो इस बात को लमले ने कहा है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर नहीं बल्कि अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? तो दोस्तों यह कथन है आर डेविस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा निम्नलिखित में से किसने किसका था? दोस्तों तो आप सबको पता है यह दावा किया था वाटसन ने कि मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे डॉक्टर इंजीनियर पशु जानवर कुछ भी बना सकता हूँ। यानी कि मुख्य रूप से मानते थे कि जैसा हम इन्वायरमेंट देंगे माहौल देंगे बच्चा वैसा बनेगा। नेक्स्ट है मानव के जननिक लक्षणों के विकास में निम्न में से किसका प्रभाव होता है? तो जननिक लक्षणों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अनुवांशिकता। क्या कहेंगे? अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की मेडुला से निकलने स्त्राव का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन गलत पूछा गया है, यहाँ पे पूछना चाहिए कि एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला से निकलने वाले, एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वो किडनी के ऊपर होता है और जिसके दो भाग होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बाहरी भाग होता है, मेडुला अंदर का भाग होता है, इसके अंतर्गत एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावित होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि की मेडुला से निकलने वाला का स्त्राव क्या नाम है? एड्रिनल। तो यहाँ पे एड्रिनलिन होना चाहिए था दोस्तों, एड्रिनलिन, ठीक है। तो एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है यह विषम परिस्थितियों का नियंत्रक हार्मोन होता है। जैसे आपको आप रास्ते में जा रहे हैं, एकाएक पीछे से आपको पागल कुत्ता दौड़ाने लगा, आपके अंदर असीम एनर्जी आ जाती है, फटाफट आप दौड़ने लगते हैं, ये एड्रेनालिन के कारण होता है। ये अनुकंपी तंत्रिका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है। यानी कि जो एड्रेनालिन हार्मोन है यह विषम परिस्थितियों का नियंत्रक हार्मोन है। एड्रेनालिन हार्मोन जो है अनुकंपी तंत्रिका यानी सिंपैथेटिक नर्वस से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है। यानी यह इसीलिए इसे लड़ो या उड़ो फाइट या फ्ली हार्मोन भी कहा जाता है अथवा पेस मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जैसे कि मानसिक तनाव की स्थिति में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जैसे क्रोध आने पर, डर लगने पर, घुटन होने पर, घबराहट होने पर, भूख लगने पर बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्त दबाव भी बढ़ जाता है, परंतु अंतरांगों की जो क्रियाविधि हो जाती है पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब धीमी हो जाती है। इसलिए इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अंतःस्रावी तंत्र की रचना तथा कार्य का निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो जितने अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि एंड थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, इस सभी का हमारे शारीरिक लक्षण एंड मानसिक लक्षण एंड व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, इन सब पर असर पड़ता है, उपरोक्त सभी चीजों पर। नेक्स्ट दोस्तों तब पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व को नहीं ढालता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ग्रीन का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं बट यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 27 MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। एंड आप इसी तरह डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए।